मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने हिंदी भाषा का व्याकरण का है लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? भाषा और व्याकरण। अब भाषा और व्याकरण ये हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे पहले जब मनुष्य पैदा हुआ था, धीरे धीरे वह समझने लगा था, तो उससे पहले अपनी जो भाषा थी वह अपने जो भी अपने विचारों को प्रकट करता था वो किससे करता था? संकेतों और इशारों से। क्यों करता था? क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं था कि कौन से शब्द को क्या बोला जाता है, किसको क्या कहा जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग मस्तिष्क विकसित होता गया तो उसने कई शब्द बनाए इशारों के बजाय अपनी भाषा को, अपने जो भी अपने मन के विचार होते थे उनको किस में प्रकट करने लग गया था? भाषा में प्रकट करने लग गया था। तो अपनी बात को एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बताने की कोशिश करता है या अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसका माध्यम क्या बन गया था? भाषा बन गया था। भाषा से वह अपने जितने भी विचार होते थे, जो भी अपनी बात होती थी, जो भी विचार होते थे, वो किसको समझाता था? सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से समझा सकता था। तो इसी तरह हमारी भाषा का निर्माण हुआ। अब भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज मेरे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे मन के जो विचार हैं वो मैं आपको किसके द्वारा? बोलने के माध्यम से समझा रही हूँ। बोलने के माध्यम के द्वारा आप मेरी बात को सुन रहे हो और उसको सुन के समझ रहे हो। तो मैं अपने विचारों को भाषा के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अपने भाव और विचारों को संकेतों के द्वारा न समझाकर इजी वे में उसको समझा सकता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास भाषा के रूप। भाषा के हमारे पास दो रूप होते हैं। फर्स्ट हमारा है लिखित मौखिक भाषा और सेकंड हमारा क्या है? लिखित भाषा। सबसे पहले क्या हुआ था? मौखिक भाषा का निर्माण हुआ था। जब मनुष्य कुछ शब्दों को बोलने लग गया, कुछ चीज़ों को पहचानने लग गया तो उनके लिए उसने शब्द बनाए। जैसे ये है ब्लैक बोर्ड। अब ये किसी ने बनाया नहीं, शुरू में जिस व्यक्ति ने इसको ब्लैक बोर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, तो आज सभी उसको ब्लैक बोर्ड बोल रहे हैं। कोई चेयर है, कोई पेन है, कुछ भी हो, उसको हम किसके द्वारा? अपनी भाषा के द्वारा बोलने लग गए। तो भाषा के द्वारा हम अपने क्या करते हैं? मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को बताने लग गए। तो जब तक लिपि का निर्माण नहीं हुआ था, लिखना नहीं आता था, तो जो व्यक्ति जब जैसे जैसे सभ्य हुआ तो उसने क्या किया था? अपने विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा समझाना शुरू कर दिया था। मौखिक भाषा के द्वारा वह अपने विचारों को एक व्यक्ति को बताता, दूसरे व्यक्ति को बताता। अब उसके बाद हुआ हमारा लिखित भाषा का निर्माण। लिखित भाषा का निर्माण हुआ तो स्टूडेंट जैसे हमारे पुराने ग्रंथ है, काव्य है, उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। किसके द्वारा रख सकते हैं? लिखित भाषा के द्वारा। जैसे आपने देखा बौद्ध सभ्यता पुराने काल में जो हमारे ग्रंथ लिखे थे, आज वो हमारे पास तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसका ज्ञान है। उसका ज्ञान कैसे हमें? क्योंकि उन्होंने क्या है? लिखित भाषा का प्रयोग किया। लिखित भाषा के लिए कुछ लिपि बनाई गई थी, अलग अलग भाषाओं की अपनी अपनी लिपि बनी थी, अलग अलग भाषाओं के अपने अपने चिन्ह बने थे। उन्होंने अपने विचारों को क्या है उसमें लिखना स्टार्ट किया और लिख के उस चीज़ को सुरक्षित, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस बात का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उस अपने विचारों को लिखा और लिखने के बाद में आज हम उन विचारों को पढ़ के पुरानी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन आज भी बच्चा उस रामायण को जानता है। कैसे? कि उसने जो पुरानी लिपि थी, लिखे हुए ग्रंथ थे, उसके द्वारा उसका ज्ञान हासिल किया। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा दो रूप बताए गए हैं। सबसे पहले विचारों को बोला जाता था, सबसे पहले मनुष्य बोलना सीखा था, वो अपने विचारों को बोल सकता था, लेकिन इसी विचारों को आगे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया था? लिखित भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब मौखिक भाषा क्या होती है?
जब हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, आज मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात दूसरों को समझा रही हूँ और दूसरों की बात सुनकर हम उसको समझते हैं। आज मेरे पास भी कोई चीज़ आती है, मैं उसको देख नहीं सकती हूँ लेकिन उसकी बात सुन के उसके विचारों को जान सकती हूँ, तो वो क्या कहलाती है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो भाषा का मौखिक रूप है वो क्या होता है? इसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुन सकते हैं लेकिन उसको लंबे समय तक स्थायी नहीं रख सकते हैं। इसीलिए क्या है, लिखने की लिपि स्टार्ट हुई। लिखने की लिपि में क्या हुआ, इसमें उसमें नए नए ग्रंथ लिखे गए थे, नए नए कुछ और लिखे गए थे, काव्य लिखे गए थे, कविताएं लिखी गई थी, तो वो सारी हमारी लिखित भाषा में आती है। लेकिन मौखिक भाषा में क्या है, जैसे कहानी, अब आप बचपन में छोटे थे, दादी नानी के पास जाते थे तो वो कहानियाँ सुनाती थी, आप उनकी कहानी को सुन के उनके विचारों को समझते थे। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार रखता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुन के अपने विचारों को रखता है, तो वो सारी हमारी क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। आज रेडियो है, रेडियो के ऊपर आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो उस चीज़ को लिखा हुआ, सुन के आप उनके विचारों को समझ सकते हो, तो वो हमारे रेडियो है। मोबाइल है, मोबाइल में दोनों ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, लिखित का भी होता है, मौखिक का होता है। आज दूर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति अपने विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए मोबाइल करता है, आप उसकी बात सुन के उसके विचारों को समझ सकते हैं। तो ये सारे रूप हमारे क्या कहलाते हैं, मौखिक भाषा के कहलाते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड आती है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं, जैसे मैंने अभी ये ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो भी आप क्या करोगे, इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हो। तो ये भाषा का क्या होता है, लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बात पढ़कर समझते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा बोलते हैं। अब मैंने जो ये लिख रखा है, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हो, तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप में स्टूडेंट क्या आता है, जैसे काव्य रचनाएं आती है, ग्रंथ आते हैं, कविताएं लिखी हुई आती है, पुराने जो है हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं वो हम पढ़ के उन चीज़ों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज आप पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो, वो आपके सामने तो कोई नहीं बोल रहा है लेकिन उसने, जिस व्यक्ति ने ये लिखी है, जो उसका लेखक है, उसने अपने विचार इसके अंदर लिखे, लिखने के बाद आज आप उसको पढ़ रहे हो तो आप उनके विचारों को समझ रहे हो। ये हमारा क्या कहलाता है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, आता है बोली। बोली क्या होती है, भाषा के मौखिक रूप को हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। बोली कुछ विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे आपने देखा आपके एक क्षेत्र होता है, आप जहाँ जिस शहर में रहते हो वहाँ की सबकी अपनी अलग अलग बोलियाँ होती है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग बोलियाँ होती है। कहीं हैं जो है आपके मारवाड़ी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कहीं राजस्थानी बोल रहे हैं, कहीं गुजराती बोल रहे हैं, कहीं बंगला बोल रहे हैं, तो सारे सबकी अपनी अपनी बोलियाँ होती है। लेकिन बोली ऐसी है जिसमें कोई ग्रंथ या कोई काव्य या कविताएँ नहीं लिखी जाती है, सिर्फ जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसी में ग्रंथ और काव्य लिखे जाते हैं। लेकिन प्रत्येक जगह की, प्रत्येक शहर की या प्रत्येक कस्बे की जो भी बोली होती है उसमें काव्य और ग्रंथ नहीं लिखे जाते हैं। उसके बाद में भारत की भाषाएं, भारत में आज 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। 22 भाषाएं ऐसी है जिसमें वहाँ के क्षेत्र के लोग उस भाषा को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसमें कुछ कार्य भी कर सकते हैं। तो ये 22 भाषाएं सबकी अपनी अलग अलग होती है, जैसे है मैथिली भाषा है, कोंकणी भाषा है, जो भी है संथाली भाषा है, ये 22 भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जैसे मलयालम होगी, कन्नड़ हो गई है, बंगाली भाषा हो गई है, तो इन सबको 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। आज आपने देखा इसमें कि जैसे है मोबाइल पे हमें गुजरात में कॉल करते हैं तो वहाँ का कंप्यूटर होता है गुजराती लैंग्वेज में बात करता है, गुजराती भाषा में बात करता है। आपने बंगाल में किया तो वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर वहाँ का बांग्ला लैंग्वेज भी यूज़ करता है। तो ये ऐसी भाषाएं हैं जिसको मान्यता मिली गई। उसके बाद हमारा आता है लिपि। लिपि क्या होता है, जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं
हमने जिन ध्वनियों को बोला है उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। चिन्ह बनाए गए हैं तो इसमें जैसे आपने देखा है ये सारे लिखने के ढंग होते हैं, इसमें चिन्ह बनाए गए हैं कि आपको है हम ऐसे ही लिखना है। अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो है हल वाला ऐसे लिखा जाता है और मैं ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये सारे हमारे चिन्ह दिए हुए इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हमारे सारे शास्त्र हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, काव्य हैं, वो सारे इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को लिखते हैं। निर्धारित होते हैं सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे आपने देखा हिंदी की आपकी देवनागरी की लिपि है, संस्कृत की भी आपकी देवनागरी की लिपि है। तो ये देवनागरी लिपि में जो चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे आपको एनआर ऐसे बनाना है तो सभी व्यक्ति एनआर ऐसे ही बनाएंगे। गुजराती की भी देवनागरी लिपि है, मराठी की भी देवनागरी लिपि है, पंजाबी की भी गुरुमुखी लिपि है, बंगाली की बांग्ला लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। तो इन सब में सभी जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी अपनी अपनी लिपि होती है और उसी लिपि के अंदर वह अपना वर्क करते हैं, उसी चिन्हों के द्वारा लिखे जाते हैं और सबकी एक जैसी लिपि होने के कारण वह भाषा है हमारे सरल तरीके से हमें समझ में आ जाती है और उसमें अच्छे तरीके से वर्क हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको आई थिंक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा इतना टॉपिक, और इसको पढ़ो, पढ़ के और इस चीज़ को समझो। धन्यवाद।